Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science class 7 chapter 3 ka second part continue karenge, fiber to fabric. If you like the video then please press the like button and subscribe the channel. Then let's start. 3.2 silk. Silk fibers are also animal fibers. Silk fiber ye animal fibers hi hain. Silkworm spin the silk fibers. Ye silk fibers silkworm ke dwara banaya jata hai. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. So what is sericulture? Sericulture hai. Rearing of silkworm for obtaining silk. Silk production ke liye silkworm ko rearing karna, uska lalan palan karna, usi ko kehte hain sericulture. Your mother, aunt, grandmother, the kind of silk sari they have. List the kinds of silk. आपकी मदर या आंट और ग्रैंड मदर को आप ये बात पूछिए और देखिए कि उनके पास कौन कौन सा साड़ी है और उसका काइंड ऑफ सिल्क का आप लिस्ट कीजिए. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिल्क मॉथ का हिस्ट्री क्या होता है, ये कैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज उसका जीवन में आता है. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री. द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग. तो पहले क्या होता है, फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देता है. फ्रॉम व्हिच हैच लार्वा. इसी से लार्वा निकलते हैं. व्हिच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म. उसी लार्वा को, छोटे छोटे सिल्कवर्म को कैटरपिलर और सिल्कवर्म कहते हैं. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. वो फिर बहुत खाते पीते हैं और साइज में ग्रो करते हैं और उसका नेक्स्ट स्टेज, कैटरपिलर का नेक्स्ट स्टेज होता है प्यूपा स्टेज में एंटर करने के लिए तैयार हो गए हैं. इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ. तो जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं ना कि अपना एक फ्लैट खरीद लेते हैं, ऐसे ही वो अपना घर का सोचता है. और इट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ. उसका एक घर बनाता है अपनी चारों ओर. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ ए फिगर ऑफ एट. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ ए. तो फिर उसी टाइम में वो एट के शेप में अपनी हेड को हिलाता रहता है और वो कोकुन बनाता है ऑफ ए प्रोटीन व्हिच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. तो फिर वो प्रोटीन के धागों से वो एक घर बनाता है जो कि हार्डन होने के एयर के कंटेक्ट में आकर धीरे धीरे हार्ड हो जाता है और एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, वही सिल्क फाइबर बन जाता है. तो ये सिल्क फाइबर प्रोटीन से बना है. सुन द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा. बहुत ही जल्द वो कम्प्लीटली अपने आप को वो सिल्क फाइबर से ढक लेता है और अब ये प्यूपा स्टेज में टर्न होने के लिए तैयार हो गया है. दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज कोकुन. तो इसी कवरिंग को कोकुन कहते हैं. तो कोकुन की क्या है, कोकुन होता है उसका आउटर कवरिंग, उसका आउटर कवरिंग. और इट कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स टर्न इनटू प्यूपा. और कोकुन के अंदर घुसने के बाद वो प्यूपा बन जाता है. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकुन. तो वो कैटरपिलर से प्यूपा उसी कोकुन के अंदर ही होता है. सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ. सिल्क क्लॉथ बुनने के लिए, वीविंग के लिए सिल्क फाइबर यूज किया जाता है. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रांग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. तो स्टील के एक थ्रेड जितना स्ट्रांग होता है, ये सिल्क का थ्रेड भी इतना ही स्ट्रांग होता है. द सिल्क यार्न इज ऑब्टेंड फ्रॉम द कोकुन ऑफ द सिल्क मॉथ. सिल्क यार्न हमको उसका थ्रेड बनाया जाता है. सिल्क यार्न भी सिल्क थ्रेड हमको मिलता है, वो सिल्क मॉथ की बनाया गया कोकुन से. देयर इज वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स व्हिच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर. मीन्स इट्स कोर्स, स्मूथ, शाइनी, ऐसे हो सकता है. डिफरेंट डिफरेंट इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की सिल्क मॉथ, डिफरेंट टाइप ऑफ कोकुन, जिससे अलग अलग क्वालिटी का सिल्क फाइबर निकलता है. दस टसर सिल्क, मूंग सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा आर ऑब्टेंड फ्रॉम कोकुन स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स.
ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, और वो सिल्क क्या क्या होते हैं, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलवरी सिल्क मॉथ। तो ऐसे ही बहुत ही पॉपुलर और वेरी कॉमन टाइप होता है मलवरी सिल्क मॉथ, जिसे मलवरी सिल्क मिलता है। द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून ऑफ द मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। अच्छा, ये इतना फेमस क्यों है, क्योंकि ये बहुत फ्रेंडली है। क्या है ये, बहुत सॉफ्ट है, लस्ट्रस है यानी कि चमकीला, इसका एक चमक होता है, शाइनिंग होता है, एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और जितने चाहे इतने रंगों में उसे रंगा भी जा सकता है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। भारत में ये सेरिकल्चर यानी कि ये सिल्क मॉथ का लालन पालन करना एक बहुत पुराना कल्चर है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल में इंडिया में सिल्क बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड फेच देम इन योर स्क्रैप बुक। यू कैन फाइंड देम इन ए टेलर शॉप एमंग द हीप ऑफ द वेस्ट कॉट पीसेस। ऐसे डिफरेंट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ को आप देखिए, उसका डिफरेंट वेराइटी को आप अपने स्क्रेप बुक में उसका एक एक चिपकाइए। ये आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आप एक टेलर शॉप जाएंगे तो कटे हुए बहुत सारे पीसेस गिरे पड़े होंगे, उसी वेस्ट कट पीसेस में से आप वेराइटी ऑफ सिल्क पीसेस निकाल सकते हैं। इन ये अब आ जाइए ब्लू बॉक्स में। इन इंडिया वुलन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में वुमेन ऐसे सिल्क रिलेटेड इंडस्ट्री में सिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत से मदद करते हैं। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, और वो कौन कौन से काम है सिल्क इंडस्ट्री में, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म हुआ, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल सिल्क इन टू फैब्रिक्स। यानी कि सिल्क वर्म का जो सिल्क वर्म का रीलिंग का रियरिंग का काम है, उनका लालन पालन है। फिर सिल्क फाइबर्स का रीलिंग का काम है जो कोकून से किया जाता है। फिर रॉ सिल्क का प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग इनटू फैब्रिक्स, ये सारे काम में वुमेन एम्प्लॉयड है। बैजर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। अपनी मेहनत से वो देश की इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में चाइना पहले स्थान पर है, लीडिंग रोल में है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमॉन्ग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। और सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से इंडिया का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क और मूंगा सिल्क। अपनी टीचर, मदर और आंटी की मदद से आप पहचान कर पाएंगे कौन सा टसर सिल्क है, कौन सा मूंगा सिल्क है, और कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस व्हिच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स। और इन्हीं के सिल्क फाइबर्स को आप आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर से, सिंथेटिक फाइबर से कंपेयर कीजिए। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ्स व्हिच कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। आप डिफरेंट मॉथ को उनका पिक्चर भी कलेक्ट कीजिए जो कि अलग अलग प्रकार के सिल्क देते हैं। एक्टिविटी 3.6, टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड। एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लीजिए और एक प्योर सिल्क थ्रेड लीजिए। बर्न दिस थ्रेड्स केयरफुली, और इन दो थ्रेड्स को आप बर्न कीजिए। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल व्हाइल बर्निंग। आप जब दोनों को जलाएंगे तो फिर उनके स्मेल में आप कुछ नज़र डिफरेंस क्या है पता चला आपको। नाउ बर्न ए वुलन फाइबर केयरफुली। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग और आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। जब आप वुलन फाइबर को बर्न कर रहे हैं आपको कैसे महसूस हो रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। जब आप वुलन फाइबर को करेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके बाल को आप जला रहे हैं, क्योंकि ये सब सेम ही तो है, तो आपको पता चलेगा कौन सा ओरिजिनल है। टू रिमेम्बर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। कब उसका कोकून स्टेज पहुंच गया सिल्क मॉथ का, ये जानने के लिए आप फॉलोइंग एक्टिविटी कीजिए। एक्टिविटी 3.7, फोटोकॉपी फिगर 3.9, कट आउट पीसेस ऑफ पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड पेस्ट देम ऑन पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। उसके मॉथ सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री का डिफरेंट डिफरेंट स्टेज लीजिए, उसका चित्र बनाइए कार्डबोर्ड में और पेस्ट कीजिए।
ना वो जंबुल देम, उसको इधर उधर कर दीजिए, थोड़ा जंबुल कर दीजिए, उसका सीरीज बिगाड़ दीजिए. नाउ ट्राई एंड अरेंज दिस स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन ए सेटलिंग मैनर, हुएवर डज इट फास्टेस्ट विंस. तो उसको उधर उधर करने का, इसको सिक्वेंशियली कैसे आप सेटलिंग मैनर में रखेंगे उसको कीजिए, और देखते हैं कौन पहले कर पाता है. यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, राइट इट डाउन इन योर स्क्रिप्ट बुक. अपनी अपनी भाषा में भी आप उसको लाइफ हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर सकते हैं. फ्रॉम कोकुन टू सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकुन्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स. सिल्क पाने के लिए हमको सिल्क मॉथ को रियर करना पड़ेगा, उसका लालन पालन करना पड़ेगा. एंड कोकुन्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स, उसके बाद हम कोकुन कलेक्ट करेंगे जिससे हम सिल्क थ्रेड निकालेंगे. रियरिंग सिल्क वर्म्स, ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम. एक सिल्क मॉथ एक साथ हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करते हैं. द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स. इसे एग्स को क्लॉथ या पेपर के स्ट्रिप में रख के आप सिल्क वर्म फार्मर को बेच सकते हैं. द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशन, फार्मर्स वो एग्स को लेके हेल्दी हाइजेनिक कंडीशन में रखता है. एंड अंडर सुइटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिड, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का भी सुइटेबल कंडीशन वो मेंटेन करता है. द एग्स आर वार्म्ड टू ए सुइटेबल टेम्परेचर, तो एग्स को सुइटेबल टेम्परेचर तक उसको गर्म किया जाता है फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, जैसे कि उसी से लार्वा निकल पाए. दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, और ये सारे काम कब किया जाता है, जब मलबरी ट्रीज में नए पत्ते आते हैं, क्योंकि वही तो है उनका खाना. द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म इट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनर्मोसली इन साइज. फिर वो एग से लार्वा हैच होने के बाद उनको मलबरी लीव्स दिया जाता है, फ्रेश क्रॉप ऑफ मलबरी लीव्स, वो खाते हैं दिन रात डे एंड नाइट खाते हैं और साइज में बहुत अच्छा बड़ा हो जाते हैं. द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बेम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स. अब उनको बेम्बू के एक ट्रे में रखा जाता है और जिसमें बहुत सारे फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स को भी कट कट के उसमें डाल दिया जाता है. आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टाइनी चैम्बर ऑफ बेम्बू इन द ट्रे टू स्पाइन कोकुन्स. ऐसे 25-30 दिन तक वो खाने के बाद फिर वो खाना बंद कर देता है और बेम्बू के एक टाइनी छोटा सा चैम्बर्स में चले जाता है, क्योंकि अब उसका कोकुन स्पाइन करने का, कोकुन बनाने का टाइम हो गया है. स्मॉल रैक्स और ट्विक्स में भी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू व्हिच कोकुन्स गेट अटैच्ड, और उसमें एक दो ट्विक भी छोड़ दिया जाता है किसी लीव्स का जिसमें कि कोकुन्स अटैच होता है. द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पाइन द कोकुन इनसाइड व्हिच डेवलप्स द सिल्क वर्म. उसके बाद कैटरपिलर अपनी चारों ओर कोकुन बना लेता है और उसके अंदर ही उसका डेवलपमेंट होता है. प्रोसेसिंग सिल्क, ए पाइल ऑफ कोकुन्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स. सिल्क फाइबर्स निकालने के लिए हम बहुत सारे कोकुन्स को इकट्ठा करते हैं. द कोकुन्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, और वो सारे कोकुन को या तो सूर्यकिरण के नीचे रखा जाता है या फिर बॉयल किया जाता है या फिर स्टीम किया जाता है. द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, तो इससे क्या होता है, सिल्क फाइबर सेपरेट आउट हो जाता है, अलग धलग हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकुन फॉर यूज ऑफ सिल्क इज कॉल्ड रिलिंग द सिल्क. तो ऐसे ही कोकुन से थ्रेड निकलने के प्रोसेस को रिलिंग द सिल्क कहते हैं. रिलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन. रिलिंग स्पेशल मशीन में किया जाता है व्हिच अनवाइंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क, जो कि सिल्क के फाइबर्स को अनवाइंड करता है, धीरे धीरे एक दूसरे से निकाल कर अनवाइंड करता है ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकुन. कोकुन से धीरे धीरे वो खींच के वो धागा निकालता है. सिल्क फाइबर्स आर देन स्पॉन इन टू सिल्क थ्रेड, और इसी फाइबर्स को सिल्क फाइबर्स को कोकुन से निकाल के उसको सिल्क थ्रेड बनाया जाता है व्हिच आर वोवन इन टू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और इसी सिल्क थ्रेड से फिर सिल्क का कपड़ा बनाते हैं
वीवर लोगों को लेके सिल्क का कपड़ा बनाते हैं। तो फिर इसी के साथ हमारे ये चैप्टर्स खत्म होता है। आइए कीवर्ड्स देख लेते हैं। कोकून, कोकून होता है वाटर कवर, वो सिल्क फाइबर्स का कवरिंग जो कि कैटरपिलर अपनी चारों ओर बनाता है और उसके अंदर वो बर्ड के प्यूपा स्टेज में जाता है। फ्लीस, फ्लीस होता है द उली हेयर ऑफ सीप एंड याक, और अलोंग विथ इसके साथ स्किन भी कभी कभी अटैच रहता है। रीलिंग, रीलिंग होता है अनवाइंड करना सिल्क के फाइबर्स को कोकून से अनवाइंड करना। सोरिंग, सोरिंग होता है वॉशिंग और क्लीनिंग अब सिल्क फाइबर्स। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर सिल्क वर्म को रियरिंग किया जाता है जिससे कि सिल्क प्रोडक्शन के लिए। फिर होता है शेयरिंग, शेयरिंग होता है उसका फ्लीस निकल जाता है एलोंग विथ ए लेयर ऑफ थिन लेयर ऑफ स्किन, उसे शेयरिंग कहते हैं। और सिल्क मॉथ वही होता है जो कि बटरफ्लाई टाइप ऑफ होता है और वो कोकून से वो निकलता है, बटरफ्लाई टाइप ऑफ होता है और वो उसका उड़ने का उसका विंग्स होता है। सिल्क वर्म, सिल्क वर्म ये एग से हैच हुआ लार्वा है जो कि छोटे छोटे होते हैं। और शटिंग, शटिंग मतलब अलग अलग करना, और ये भी एक प्रोसीजर है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फाइबर में। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट चैप्टर अपलोडेड बाय मी। थैंक यू।